फ्रॉम एवरी वन. होप आई एम ऑडिबल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू प्रेजेंट. माई नेम इज सैयद शहरियार अहमद एंड टूडे आई विल बी डिस्कसिंग द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016. सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर टू द एक्ट इटसेल्फ, वी शुड डिस्कस व्हाई वाज देयर अ नीड टू इनएक्ट सच अ लॉ. Prior to the enactment of the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Electronic Transaction Ordinance of 2002 was in place. However, the old law was redundant and was not up to the requirements of time, space, and technology. So, the lacking of the old law has to be dealt with a new enactment, a new law, and subsequently a new mechanism to tackle crimes relating to technology, which are often referred to as cyber crimes or crimes committed on the internet. So, Prevention of Electronic Crime Act एक ऐसा वाहिद कानून है इस वक्त इन फोर्स के जो साइबर क्राइम से रिलेटेड डील करता है. अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस के साथ, और आज के जो सेशन और लेक्चर का मकसद है वो है कि हम इसके सेक्शन 1 to 28 तक इसकी जो भी पनिशमेंट्स हैं एंड ऑल दी ऑफेंसेस व्हिच हैव बीन डिफाइंड अंडर दिस एक्ट, हम उसको गो थ्रू करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, और जो प्रीवियस लॉज थे रिलेटेड टू द सेम सब्जेक्ट हम उसको कंपेयर करेंगे. सो प्रोसीडिंग फर्दर, पहले हम इसकी कुछ डेफिनेशंस क्लॉजेस देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट की. सेक्शन 2 है जिसके अंदर कुछ टर्म्स है एक्सेस टू डेटा और इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको डिफाइन किया गया. नाउ द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस ऑफ 2002 एंड द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट ऑफ 2016 इज दैट के जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस था 2002 का, उसके अंदर सिर्फ एक्सेस टू डेटा को पीनलाइज किया गया था, यानी कि उस डेटा के ट्रांसफर को, उस डेटा के कॉपी को पीनलाइज नहीं किया गया था. ये एक मेजर ड्रॉबैक था बिकॉज इसके अंदर डायरेक्ट डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जिसे हम DDPR कहते हैं, वो मिसिंग थी, जो कि आजकल के दौर में इंटरनेशनली, ग्लोबली, रीजनली बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि जो DDPR है वो एक यूनिवर्सल लॉ बन चुका है. बहुत सी यूरोपियन स्टेट्स हैं जिन्होंने ट्रीटी साइन की हुई है डायरेक्ट डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के हवाले से और GDPR के हवाले से. वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि GDPR होता क्या है और उसका हमारे कानून से क्या ताल्लुक है और वो किस तरह हमारे डोमेस्टिक लॉ को एक इंटरनेशनल लेजिस्लेशन जो है वो इन्फ्लुएंस करती है. अब उसके अंदर डिफरेंस था कि वहां पे जो है डाटा ट्रांसफर और डाटा कॉपी को जो है वो पीनलाइज नहीं किया गया था. जबकि अगर हम पीका पढ़ते हैं तो इसके सेक्शन 2 है और इसकी सब क्लॉज 2 और 3 है कि जिसके अंदर एक्सेस टू डेटा और इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंट्रोल, एबिलिटी टू यूज, कॉपी, मॉडिफाई और डिलीट एनी डेटा हेल्ड इन और जनरेटेड बाय एनी डिवाइस और इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी पीनलाइज किया गया है. यानी कि ना सिर्फ उस डेटा को एक्सेस करना बल्कि उस डेटा को ट्रांसफर करना, उस डेटा को मॉडिफाई करना, उस डेटा को डिलीट करना और उस डेटा को कॉपी करना, ये 4 से 5 सब्सिक्वेंट फंक्शंस हैं जो पहले पीनलाइज नहीं थे लेकिन अब जो है उन्हें ऑफेंस डिक्लेयर किया गया और उन्हें भी एक्सेस टू डेटा की डेफिनेशन में शामिल किया गया. इसके बाद हम डेफिनेशन क्लॉजेस के कुछ और इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे ताकि आगे हमें उन ऑफेंसेस को समझने में मदद हासिल हो और हमें समझ आए कि इस लॉ का जो इफेक्ट है वो प्रैक्टिकली किस तरह से एक्सरसाइज होगा. अब आगे अगर हम सब क्लॉज 10 की तरफ चलते हैं, वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से डील करती है. नाउ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मींस द क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, नेमली एसेट्स, फैसिलिटीज, networks, systems or processes, the loss or compromise which could result in major detrimental impact on the availability and on the subsequent impact on the integrity, compromise could result in significant loss of life or casualties, significant impact on national security, national defensive functioning of the state. सो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इस एक्ट के तहत वो इंफ्रास्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है कि जिसका असर आपकी नेशनल सिक्योरिटी पे हो, नेशनल डिफेंस पे, और जो आपकी फंडामेंटल सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ है, ट्रांसपोर्ट है, सर्विसेज हैं, टेक्नोलॉजी है, उसको इम्पैक्ट कर रहा हो. अब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं आपको एक सादा सी मिसाल देता हूँ. जैसा कि हमारे
हेडक्वार्टर्स हैं या कोई ऐसे सेंटर्स हैं बैंकिंग के जो मेजर हब्स हैं जहां पूरे मुल्क के जो यूजर्स हैं उनका बैंकिंग डाटा मौजूद है, वो आपका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि एक सर्वर्स की सूरत में मौजूद होता है। 100 से ज्यादा कंप्यूटर एक सर्वर सिस्टम बनाते हैं पूरा, और वहां पे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर सिचुएट करते हैं। इसीलिए इस एक्ट के अंदर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो ऑफेंसेज हैं उनकी सजा ज्यादा संगीन है और ज्यादा सिवियर पनिशमेंट्स हैं एज कम्पेयर टू अदर ऑफेंसेज, क्योंकि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लॉस को और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करने की सूरत में पूरा कंट्री और जो पब्लिक एट लार्ज है वो इससे इन्फ्लुएंस होगी और वो इससे इफेक्ट होगी। आगे हम चलते हैं इसकी सब क्लॉज 12 की जानिब। सब क्लॉज 12 डील करती है डैमेज टू एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, व्हिच मींस एन अनऑथराइज्ड चेंज इन द ऑर्डिनरी वर्किंग ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इम्पेयर्स इट्स परफॉर्मेंस एक्सेस आउटपुट और चेंज इन लोकेशन वेदर टेम्परेरी और परमानेंट एंड विद और विदाउट कॉजिंग एनी चेंज इन द सिस्टम। एंड देन द क्लॉज 14 विच डील्स विद डेटा डैमेज मीन्स द आल्ट्रेशन डिलीशन डिटीरियोरेशन इरेजर रीलोकेशन सप्रेशन ऑफ डाटा और मेकिंग डाटा टेम्परेरली और परमानेंटली अनअवेलेबल। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मेरे मुताबिक इस एक्ट की है सब क्लॉज 16, डिसऑनेस्ट इंटेंशन। अब डिसऑनेस्ट इंटेंशन जो है वो पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन ऑर्डिनेंस में एज सच एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं थी, क्योंकि हमें डिसऑनेस्टी की जो डेफिनेशन है वो पीपीसी में जनरली मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे डिसऑनेस्ट इंटेंशन को दोबारा से एक्सक्लूसिवली डिफाइन किया गया है फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस एक्ट एंड ऑफेंस कनेक्टेड विद रेलिवेंस टू दिस एक्ट। So the dishonest intention under this act means intention to cause injury, wrongful gain, wrongful loss or harm to any person or to create hatred or incitement to violence. अब ये जो element है ना hatred का और incitement to violence का, ये एक further addition है in comparison with the general definition provided under the PPC. उसके बाद यहाँ पे हमारे पास और मुख्तलिफ definitions आ जाती हैं। इसी तरह यहाँ पे एक service provider को भी define किया गया। सर्विस प्रोवाइडर क्लॉज 28 सब क्लॉज ए में है, सर्विस प्रोवाइडर इंक्लूड्स अ पर्सन हु एक्ट्स एज अ सर्विस प्रोवाइडर इन रिलेशन टू सेंडिंग रिसीविंग स्टोरिंग प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और प्रोविजन ऑफ अदर सर्विसेज इन रिलेशन टू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन थ्रू एन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपके जो है सर्विस प्रोवाइडर को भी डिफाइन किया गया। फिर जो सब क्लॉज 32 है उसमें अनऑथराइज्ड इंटरसेप्शन को भी डिफाइन किया गया है, विच मीन्स दैट in relation to an information system or data any interception which is without due and proper authorization. Furthermore, अब हमने जो इसकी definition clauses हैं उसे देख लिया, अब हम majorly इसके offences पे आते हैं और इसकी punishments पे आते हैं जो कि इस act में define की गई हैं। फिर उन offences को देखते हुए साथ साथ बताएंगे कि वो relate किससे करते हैं, उसे further clarify किया जाए। अब section 3 है which deals with unauthorized access to information system or data. Whoever with dishonest intention gains unauthorized access to an information system or data shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 50,000 rupees or with both. Ab ek comparison draw karna hai humne information system or data ke darmiyan aur critical infrastructure based information system. जैसे मैंने आपको क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का बताया कि वो एक मखसूस इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि आपकी पब्लिक एट लार्ज को इफेक्ट करती हैं। अगर कोई ऐसा मेजर सर्विस प्रोवाइडर है या मेजर एक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका बैंकिंग सिस्टम है, कोई ऐसी एप्स हैं जो कि आपकी ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रही हैं, कोई ऐसी और रेगुलेशन एप्स हैं कि जो पब्लिक एट लार्ज यूज कर रही है, कि अगर उस ऐप के अंदर कोई इफेक्ट आता है, कोई वो ऐप हैक होती है, कोई उस डाटा को अनऑथराइज एक्सेस करता है और उसको जो है कॉपी करने की कोशिश करता है, डिलीट करने की कोशिश करता है, मॉडिफाई करने की, तो उससे पब्लिक एट लार्ज जो है वो इफेक्ट होती है। लेकिन जो आम इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा है उसके केस में ये जरूरी नहीं है। आपके कंप्यूटर में भी पड़ा जो मटीरियल है, जो इंफॉर्मेशन है, वो भी डाटा की कैटेगरी में आता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम की कैटेगरी में आता है, वो आपके कंप्यूटर की हद तक है। इसी तरह अगर आपके ऑफिस में 4 से 5 कंप्यूटर्स हैं, उसके अंदर आपका जो कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डाटा मौजूद है,
तो वो आपके ऑफिस और आपकी कंपनी की हद तक वो इंफॉर्मेशन सिस्टम या डाटा है वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में जो है वो फॉल नहीं करता। उसके लिए सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको मीट करना पड़ता है ताकि आप जो सिस्टम है जो वो जो है वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कैटेगरी में फॉल करे। फिर सेक्शन 4 है हमारे पास जो कि अनऑथराइज कॉपिंग और ट्रांसमिशन ऑफ डाटा को डील करता है। Whoever with dishonest intention and without authorization copies or otherwise transmits or causes to be transmitted any data shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 100,000 rupees or with both. अब ये जो provision है ये आपका जो data transmit करना है या copy करना है उसको भी penalize कर रही है, up to 6 months उसकी जो है सजा भी है। ये पहले मौजूद नहीं था, तो ये 2016 के प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में ये इंट्रोड्यूस कराया गया, वरना पहले तो सिर्फ आप अगर किसी डाटा या इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक्सेस करें सिर्फ उस हद तक जो थी आपकी पेनल्टी फॉल करती थी। फिर हम सेक्शन 5 की तरफ आते हैं जो डील करता है इंटरफेरेंस विद इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटा। हूएवर विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन इंटरफेयर्स और विथ और डैमेजेस और कॉजेस टू बी इंटरफेयर विथ और डैमेजेस एनी पार्ट और होल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटा शैल बी पनिश्ड विथ इंप्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 years और विथ फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू 500,000 रुपीस और बोथ। अब एक तो अनऑथराइज्ड एक्सेस है, अनऑथराइज्ड एक्सेस और इंटरफेरेंस में मैं अब आपको फर्क समझाता हूँ। अनऑथराइज्ड एक्सेस है कि आपने एक सिस्टम का कंट्रोल हासिल कर लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपने लैपटॉप से कुछ चीजें एक्सेस करता हूँ और कोई अननोन पर्सन है, वो हैकर है, वो ब्रीचर है, वो मेरे लैपटॉप को अनऑथराइज एक्सेस कर लेते, सो दैट इज द अनऑथराइज एक्सेस कैटेगरी। नाउ व्हाट इज द इंटरफेरेंस कैटेगरी? इंटरफेरेंस कैटेगरी मोस्टली उस सूरत में होती है कि जब डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है टू एंड फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल आप ईमेल के थ्रू, आप जैसे एयर ड्रॉप एप्पल का फीचर है कि ब्लूटूथ के थ्रू आप जो फाइल्स हैं वायरलेसली आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में आप भेज सकते हैं। सो द कॉन्टिन्यूस फ्लो और द कॉन्टिन्यूस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन मोबाइल डिवाइस और वन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट टू एन अदर, उस प्रोसेस के अंदर अगर आप इंटरवीन करते हैं तो उसे हम इंटरफेरेंस कहते हैं। आपने बाजू का देखा होगा जो अक्सर मूवीज में भी दिखाते हैं, अक्सर आपके सामने इंटरनेशनल केसेस ज्यादातर आते हैं कि जिसके अंदर जो है वो ट्रांसफर के दौरान आपका डाटा स्टील हो जाता है क्योंकि वो आपके वाईफाई से कनेक्टेड होता है, आपके वो हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो जाता है, हैकर किसी तरह आपके ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। तो जब इस तरह के वायरलेस कनेक्शन से वो भी ज्वाइन कर लेता है तो ये एक बेसिकली हब है जिसका सेंटर एक है और साथ जो है उसकी ब्रांचेज है। अब जब वो उस हब के साथ कनेक्ट कर लिया तो वो जो तमाम तर डेटा जो लाइव ट्रांसमिशन में है, जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है लगातार, वो उसकी एक्सेस में है और वो उसे इंटरफेयर करके उसको डैमेज कर सकता है, तो ये इंटरफेरेंस की कैटेगरी में फॉल करता है। और ये बेसिकली एक स्टैटिक फिनोमिना नहीं है, ये डायनेमिक फिनोमिना है, इन कंट्रास्ट विद अनऑथराइज्ड एक्सेस जो कि एक स्टैटिक फिनोमिना, आपकी मशीन पड़ी है, किसी ने एक्सेस कर लिया। मूविंग फर्दर We'll discuss section 6 and 7 which deals with unauthorized access to critical infrastructure and unauthorized copying or transmission of critical infrastructure. So, जैसे मैंने आपको बताया कि information system में कैसे unauthorized कोई बंदा access कर सकता है और unauthorized copy कैसे कर सकता है, ये दोनों मुख्तलिफ जुराइम हैं और दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। Access करना अलग बात है, copy करके transmit करना, delete करना, modify करना, वो अलग चीज़ है। जैसे information system में होता है वैसे critical infrastructure system में भी होता है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे सिवेरिटी ऑफ द ऑफेंस का है और साथ ही साथ उनकी सब्सिक्वेंटली पेनल्टीज का है। जैसे अगर आप सेक्शन 6 पढ़ेंगे तो वहां पे पेनल्टी अप टू 3 years इम्प्रिजनमेंट है या फिर 1,000,000 फाइन भी है। इसके बाद हम सेक्शन 9 की तरफ आते हैं जो कि है ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस। अब ये बड़ा एक यूनिक सा ऑफेंस है जो कि इस जो है इनेक्टमेंट में डिफाइन किया गया है। इसके अंदर वो बात करते हैं कि whoever prepares or disseminates information through any information system or device with the intent to glorify an offense relating to terrorism or any person convicted of crime relating to terrorism or any activities prescribed organizations or individuals groups shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 7 years or with fine which may extend to 10,000,000 rupees। यानी कि इतना सिवियर ऑफेंस है कि आपको 7 years इंप्रिजनमेंट और 10,000,000 तक फाइन हो सकता है। अब ये ऑफेंस है क्या? इसमें बताया जा रहा है कि कोई ऐसे ऑफेंसेस, कोई ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज को जो बंदा ग्लोरीफाई करता है
इंटरनेट पे शेयर करता है, सोशल मीडिया पे सेलिब्रेट करता है, तो वो ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। यानी कि एक बंदे ने मर्डर किया है, कत्ल किया है, और आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो। या फिर हमारे मुल्क में टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं, बम धमाके होते हैं, लेकिन आप जो हैं आप एंटी स्टेट हैं, और आप उस टेररिस्ट एक्टिविटी को कंडेम करने की जगह आप उसको शेयर कर रहे हैं, आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, और ये आपकी इंटेंशन शो होगी आपकी पोस्ट से कि आपके कमेंट्स क्या आए, आप क्या पोस्ट करते हैं, आप उसके उसकी तारीफ कर रहे हैं या सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये उसकी कैटेगरी में फॉल करता है। जिस तरह इन्होंने एक्सप्लेनेशन में भी बताया हुआ है दैट फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन ग्लोरिफिकेशन इंक्लूड्स डिपिक्शन ऑफ एनी फॉर्म ऑफ प्रेज और सेलिब्रेशन इन अ डिजायरेबल मैनर। आगे हम साइबर टेररिज्म की तरफ चलते हैं। साइबर टेररिज्म इज डेल्ट अंडर सेक्शन 10, और ये बता रहा है कि जो हमने सेक्शन 6 से 9 तक ऑफेंसेस पढ़े हैं ना, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड आया था, इसके अंदर ग्लोरिफिकेशन, इंटरफेरेंस, ये तीन चार ऑफेंसेस आते हैं। जो बंदा ये तीन से चार ऑफेंसेस करता है प्लस विद द इंटेंशन टू क्रिएट अ सेंस ऑफ फियर, पैनिक और इनसिक्योरिटी इन द गवर्नमेंट और द पब्लिक और सेक्शन ऑफ द पब्लिक, और टू एडवांस इंटरफेथ सेक्टेरियन और एथनिक हेट्रेड और एडवांस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल और ग्रुप्स prescribed under the law shall be punished with imprisonment for a description for a term which may extend to 14 years or with fine which may extend to 50 million rupees or both. अब ये जो साइबर टेररिज्म का सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर बताया गया है कि अगर आप सेक्शन 6 से 9 तक ऑफेंसेस करते हैं और आपकी जो इंटेंशन है वो कोर्शन की है, सेंस ऑफ फियर फैलाने की, हमने एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर भी टेररिज्म की डेफिनेशन पढ़ी है, उसके अंदर जो मैजिक वर्ड है या जो फ्रेज है वो है विद इंटेंशन टू क्रिएट फियर इन द पब्लिक और पैनिक इन द पब्लिक। सेम एलिमेंट्स और सेम रिक्वायरमेंट्स इस सेक्शन के अंदर भी प्रिस्क्राइब कर दी गई हैं कि अगर आपने पब्लिक एट लार्ज के अंदर पैनिक, इनसिक्योरिटी या फियर फैलाने की नीयत से ये ऑफेंसेस किए हैं तो आप साइबर टेररिज्म की कैटेगरी में फॉल करेंगे, और फिर जो आपकी सेंटेंस है वो अप टू 14 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट भी जा सकती है और अप टू 50 मिलियन रुपीस फाइन भी जा सकती है। अब आगे हम एक और सेक्शन की तरफ जाते हैं जो कि हेट स्पीच है, सेक्शन 11। अब इस सेक्शन को मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पैराडाइम के हवाले से भी आपसे डिस्कस करूंगा और इस सेक्शन की जो कंट्रोवर्सी है, चल रही है, पहले भी कुछ महीने पहले भी चली थी, उसको भी डिस्कस करूंगा। सेक्शन 11, हेट स्पीच, हूएवर प्रिपेयर्स और डिसेमिनेट्स इंफॉर्मेशन थ्रू एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम और डिवाइस दैट एडवांसेस और इज लाइकली टू एडवांस इंटरफेथ सेक्टेरियन और रेशियल हेट्रेड शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 इयर्स और विद फाइन और बोथ। अब इस सेक्शन के अंदर कहते हैं कि जो आप सेक्टेरियन वायलेंस और रेशियल कमेंट्स पास करते हैं ना, किसी की जात पात मजहब के हवाले से और फसादात और फिरका वारियत के हवाले से आप इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे तो उसकी भी सजा है और उसको भी ऑफेंस बना दिया गया। अब मैं इस सेक्शन को कंट्रोवर्शियल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये सेक्शन जो है ये आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपका फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 19 में, ये उससे जो है ना थोड़ा सा उससे कॉन्फ्लिक्ट में आता है। जो सेक्शन 19 है वो कहता है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप जो चाहे आप प्रोपेगेट कर सकते हैं, आपके पास लिबर्टी है, आप प्रीच कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं कि अगर आप स्टेट की इंटेग्रिटी के खिलाफ ना जाए। अब इस सेक्शन को यहाँ तो इनेक्ट कर दिया गया है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी के हवाले से भी क्रिटिसिज्म आया है सामने इस इनेक्टमेंट के हवाले से कि ये जो है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट कर रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट को कर्ब कर रहा है। यहाँ भी हेट स्पीच की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी एम्बिगुअस सी है, क्योंकि यहाँ पे तीन चार टर्म्स यूज की गई हैं, इंटरफेथ सेक्टेरियन और रेशियल हेट्रेड। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हेट स्पीच की कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं, और अगर वो एग्जैक्ट फ्रेजेस, अब इसको प्रैक्टिकली कैसे देखा जाता है, जो आपकी एजेंसीज हैं जो इस लॉ को एग्जीक्यूट करवा रही हैं, जो पैमरा है, उन्होंने सोशल मीडिया पे भी कुछ कीवर्ड्स इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, यानी कि अगर वो शख्स जो है वो उन कीवर्ड्स को यूज करेगा तो वो हेट स्पीच की कैटेगरी में आ जाएगा। फेसबुक ने भी अपना ऐसा मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया कि अगर आप एब्यूजिव लैंग्वेज, हेट स्पीच या इस तरह का सेंसिटिव कंटेंट आप टाइप करते हैं, शेयर करते हैं, तो वो आपकी पोस्ट जो है फेसबुक अप्रूव नहीं करता, वो डाउन हो जाती है।
इसीलिए क्योंकि उन्होंने कुछ फिल्टर्स लगाए हुए और कुछ एल्गोरिथम यूज किया हुआ है। इसी तरह जो हमारी भी एजेंसीज हैं उनको भी अब उन्होंने ये एल्गोरिथम जो है इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है, तो जो जो चीजें हेट स्पीच की कैटेगरी में आती हैं वो जो है वो रिमूव हो जाती हैं। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 13 और सेक्शन 14 की तरफ, जो कि अगेन बहुत मेजर सेक्शन है। सेक्शन 13 डील्स विद इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी। Whoever interferes with or uses any information system, device or data with intent to cause damage or injury to the public or to any person or make any illegal claim or title to any cause any person to have part with property or to enter into any express or implied contract with the intent to commit fraud by an input, alteration, deletion or suppression of data resulting in unauthentic data with the intent that it be considered or acted upon for legal purposes as it were authentic, regardless of the fact that data is directly readable and intelligible, nor shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 250,000 rupees or both. यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी को भी एक ऑफेंस डिक्लेयर किया गया। अब इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी कैसे होती है? आपकी आजकल मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है, और एक आपने टर्म सुनी होगी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर। जिस तरह आप एक आम दस्तावेज पे अपने दस्तखत करते हैं, एक आम डॉक्यूमेंट पे आप अपने साइन करते हैं और वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेबल हो जाती है, इसी तरह आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होती है उनपे भी एक यूनिक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है। अब डिजिटल फॉरेंसिक्स की ये डोमेन है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन खैर वो भी टॉपिक नहीं है। अब वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है, हैकर या कोई जो बंदा ऐसा नॉलेज रखता है, वो अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को चेंज करता है, आपके इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को फोर्ज करने की कोशिश करता है ये साबित करने के लिए कि ये मेरी डॉक्यूमेंट है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो वो जो है इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी कमिट करता है। और उसकी इंटेंशन होनी चाहिए कि वो आपको फ्रॉड कमिट करे। कैसे? इन्होंने चार एलिमेंट्स बताए हैं, बाय इनपुट, बाय अल्टरेशन, बाय डिलीशन और बाय सप्रेशन ऑफ डाटा। तो अगर ये तो चार एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी की डोमेन में आ जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी बहुत जो है आजकल कॉमन हो चुकी है। आपने अक्सर देखा होगा, कहेंगे कि ये तो मेरी डॉक्यूमेंट थी, मेरी फाइल थी, मेरा ये एक सर्टिफिकेट था, इसने जो है फोर्ज करके बना दिया। अक्सर लोग क्या करते हैं, जो आपके साइंस इंटरनेट पे अवेलेबल है ना, मोस्टली सेलिब्रिटीज या ऐसे रिनोन्ड पब्लिक अथॉरिटीज जिनके साइन का डिजिटल फुटप्रिंट इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको कॉपी करते हैं और उसको पेस्ट कर लेते हैं किसी सर्टिफिकेट पे, किसी डॉक्यूमेंट पे, और उस डॉक्यूमेंट में टाइप करके कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट लीगल है। यानी कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स आपने देखे होंगे जिस पर डिजिटल सिग्नेचर होता है, तो वो जो सिग्नेचर है वो भी फोर्ज किया जा सकता है। तो जब सिग्नेचर्स फोर्ज होंगे और उसकी अगर डिजिटल फोरेंसिक्स ही नहीं हुई, तो फिर वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में डिसप्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा एविडेंस में कि ये डॉक्यूमेंट असली है कि नकली है, क्योंकि जो डिजिटल फोरेंसिक्स की डोमेन है वो बहुत टेक्निकल है और वो बहुत डिफरेंट है। अब हम आते हैं सेक्शन 14 पे, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड से डील करता है। इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड के तो बहुत सारे किस्से जो हैं वो अब मशहूर हैं और बहुत कॉमनली अब वो होने लग गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड अंडर सेक्शन 14 डील्स विद द इंटेंट फॉर रॉन्गफुल गेन, इंटरफेयर्स विद और यूजेस एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिवाइस और डेटा, और इंड्यूसेस एनी पर्सन टू एंटर इनटू अ रिलेशनशिप और डिसीव एनी पर्सन व्हिच एक्ट और ओमिशन इज लाइकली टू कॉज डैमेज और हार्म टू दैट पर्सन, एनी अदर पर्सन शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट फॉर टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 million रुपीज और बोथ। सो इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड ये है कि आपके जो है आपको डिसीव करने के लिए वो आपको ही समझाएगा, वो आपको फ्रॉड करने की कोशिश करेगा, आपका डाटा ऑब्टेन करने की कोशिश करेगा। इससे रिलेटेड एक केस लॉ मेरे पास मौजूद है और मैं वो आपसे भी जल्द ही विद इन अ फ्यू मिनट्स मैं वो शेयर करता हूँ, और फिर मैं आपको ना ये तमाम सेक्शंस एक्सप्लेन करने के साथ कोशिश करता हूँ। आगे हम मूव ऑन कर जाते हैं सेक्शन 20 पे और सेक्शन 21 पे, उसके बाद मैं आपसे फिर केस लॉ डिस्कस करूंगा। सेक्शन 20 डील्स विद ऑफेंसेस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन। Whoever intentionally and publicly exhibits or displays or transmits any information through any information system which he knows to be false and intimidates or harms the reputation or privacy of a natural person shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 1 million rupees or both. ये जो सेक्शन 20 है ये आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर आपको एक और राइट दे दिया गया है, और ये सेक्शन आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को फर्दर रीइंफोर्स करता है, फर्दर स्ट्रेंथन करता है। आर्टिकल 14
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डील्स विद द डिग्निटी ऑफ अ पर्सन, दैट डिग्निटी ऑफ अ पर्सन इज इनवायलेबल। और साथ ही ये जो सेक्शन 20 है ये भी कहता है कि आपकी जो डिग्निटी है उसकी रिस्पेक्ट है और वो इनवायलेबल है। यहाँ पे बात की गई है, अब ये सबसे कॉमन फिनोमिना है जो आप लोगों के साथ हो रहा है, जो बंदा आपके मुतल्लिक कोई फेक इंफॉर्मेशन, कोई झूठी खबर जानते बूझते आपकी रेपुटेशन को हर्ट करने के लिए, आपकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करने के लिए कहीं पब्लिश करता है सोशल मीडिया पे, तो वो ये ऑफेंस कमिट कर रहा है। आपका व्हाट्सएप पे आपकी किसी से प्राइवेट कोई चैट हो रही है, मिसाल के तौर पे वो आपकी जो प्राइवेट चैट है उसका स्क्रीनशॉट लेके वो सोशल मीडिया पे लगाने लग जाता है विदाउट योर ओन कंसेंट, सो दैट, और उससे आपकी डिग्निटी भी हर्ट हो रही है, आपकी रेपुटेशन, आपकी प्राइवेसी हर्ट हो रही है, तो वो एक ऑफेंस कमिट कर रहा है। आपकी कंसेंट के बगैर आपका जो प्राइवेट चैट है वो कोई भी बंदा पब्लिकली शेयर नहीं कर सकता। और अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके खिलाफ शेयर हो रही है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जिससे आपकी रेपुटेशन भी हार्म हो रही है और वो झूठी है, तो वो ये ऑफेंस कमिट कर रहा है और आप जो है उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। फिर सेक्शन 21 है, ऑफेंसेस अगेंस्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन एंड माइनर। अब ये जो सेक्शन है ये बात करता है कि उससे भी संगीन शक्ल है सेक्शन 20 की। सेक्शन 20 में तो है ना कि आपके खिलाफ कोई बात कर रहा है, कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है, कोई वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, तो उसमें है। लेकिन सेक्शन 21 में इन्होंने चार एलिमेंट्स बताए हैं। नंबर वन, सुपर इम्पोजेज अ फोटोग्राफ ऑफ द फेस ऑफ नेचुरल पर्सन और ओवर एनी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इमेज और वीडियो, यानी ऐसी कोई नाजेबा वीडियो, कोई ऐसी नाजेबा इमेज उसके ऊपर आपकी तस्वीर लगा के आपको हरासा करने की कोशिश की जा रही है, आपको हरास करने की कोशिश की जा रही है, आपकी डिग्निटी को हर्ट करने की कोशिश की जा रही है, या अक्सर जो आप पे मीम्स बना देते हैं तो वो भी इस कैटेगरी में फॉल करती है कि आपके जो चेहरा है वो किसी जगह तस्वीर पे इन्होंने चिपकाया और वो आपका मजाक बनाने के लिए, आपकी डिग्निटी को हर्ट करने के लिए शेयर करने लग जाए। नंबर टू, इंक्लूड्स अ फोटोग्राफ और वीडियो ऑफ नेचुरल पर्सन इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कॉन्टेंट। अब यहाँ पे ये जो तीन चार चीजें वो यही है कि कोई भी ऐसी नजेबा हरकतें, कोई ऐसी नजेबा वीडियो जो वो एडिटिंग के थ्रू उसने आपकी शक्ल उसमें ऐड कर दी है, कोई वीडियो ऐड कर दी, कोई ऐसी आपकी पर्सनल पिक्चर्स हैं, प्राइवेट पिक्चर्स हैं, प्राइवेट वीडियो है, वो अगर ऐसी कोई शेयर कर रहा है या कोई उससे हार्म पहुंच रहा है, तो फिर जो है वो ऑफेंस अंडर सेक्शन 21 बनेगा इंस्टेड ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 20। सो अब ऑफेंस अंडर सेक्शन 21 के अंदर इसकी सिवियरिटी भी जो है वो भी इंक्रीज हो गई है। इसके अंदर जो पनिशमेंट है वो अप टू 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट है और 5 million rupees आपको फाइन होगा। इसके बाद हम सेक्शन 23 और 24 पे आते हैं। 23 बात करते हैं मैलिशियस कोड की। मैलिशियस कोड आम अल्फाज में मैं आपको समझा देता हूँ, वो एक ऐसा वायरस है जिसे आपके कंप्यूटर में आप उसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके कंप्यूटर में जो वो डैमेज करेगा, डाटा स्टील वगैरह कर सकते हैं। इसकी मिसाल ट्रोजन हॉर्स है और भी डिफरेंट मेलवेयर्स हैं, वॉर्म्स हैं, ये मेलिशियस कोड होते हैं। यानी कि ऐसे प्रोग्राम होते हैं कि जो आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आएंगे तो ये आपका डाटा स्टील कर सकते हैं, आपका डाटा डैमेज कर सकते हैं। इसकी ही एक कैटेगरी है जिसका नाम है रैनसमवेयर। रैनसमवेयर क्या करता है, वो जो सॉफ्टवेयर आप लगाते हैं तो वो साथ ही आपसे पैसे मांगने लग जाता है और आपका सारा डाटा हैंग हो जाता है। वो कहता है कि जब तक आप पैसे नहीं दोगे, इस नंबर पे पैसे नहीं भेजोगे, तब तक जो है आपका कंप्यूटर ठीक नहीं होगा, तो उसे हम रैनसमवेयर कहते हैं। ये सारे मलिशियस कोड की कैटेगरी में आते हैं और ये बहुत एक टेक्निकल और बहुत ही ये ना एक डेंजरस ऑफेंस है, क्योंकि मलिशियस कोड बनाना अलग मुश्किल काम है और इस कोड को ट्रेस बैक करना अलग मुश्किल काम है कि इस कोड को भेजा किसने है और इस कोड का जो फुटप्रिंट है वो क्या है। आगे हम आते हैं सेक्शन 24 पे जो कि है साइबर स्टॉकिंग। अब साइबर स्टॉकिंग आजकल आप सब भी मोस्ट ऑफ यू जो है इस फिनोमिना से गुजर रहे होंगे। अब साइबर स्टॉकिंग ये है कि जब एक बंदा जो है मुसलसल आपको हरेस करने के लिए, आपको फोर्स करने के लिए जो है आपको फॉलो करता है, आपकी तमाम सोशल मीडिया एक्टिविटी को सुपरवाइज कर रहा होता है, यानी कि आपने किसको लाइक किया है, किसको आपने डिसलाइक किया है, फेसबुक पे आप जो हैं किसको फॉलो करते हैं, किसको आप फॉलो नहीं करते, उन तमाम एलिमेंट्स पे जो है, उन तमाम चीजों पे वो नजर रख रहा होता है।
और वो आपकी पिक्चर्स भी डाउनलोड कर सकता है, आपके फ्रेंड्स में हो सकता है, और आपके फ्रेंड्स को भी मैसेज कर सकता है, आपको बार बार ईमेल या मैसेजेस करके तंग कर सकता है। सो वो ऐसा बंदा है जो आपकी हर वक्त की सोशल मीडिया एक्टिविटी पे नजर रख रहा है, क्योंकि आजकल हर बंदा अपनी एक्टिविटी जो है वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है कि मैं अभी ये कर रहा हूँ, मैंने ये खाया, ये पिया, मैं इधर गया था घूमने। तो जो आपकी हर एक्टिविटी पे नजर रख रहा है, आप अगर कोई ऐसा कंटेंट शेयर कर देते हैं तो वो फिर आगे आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है, तो ये भी एक ऑफेंस है। और अगर एक बंदे के मना करने के बावजूद वो मुसलसल करता जा रहा है, तो फिर आप उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। आगे हमारे पास सेक्शन 25, 26 आ जाते हैं। सेक्शन 25 स्पैमिंग से डील करता है, सेक्शन 26 स्पूफिंग से डील करता है। अब स्पैमिंग और स्पूफिंग जो है ये बहुत से लोग अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। स्पैमिंग वो है वो अनवांटेड मैसेजेस जो आप चाहते नहीं है लेकिन आपको आने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एड्स, ईमेल्स में आपको बहुत सी कंपनीज आपको ईमेल कर रही होंगी, जैसे दराज की आई दिन ईमेल आई होती है कि हमारा इतने फीसद डिस्काउंट लग रहा है, सैमसंग की आई होती है कि हमारा नया मोबाइल लॉन्च होने वाला है आप डिस्काउंट लें। यानी कि ऐसी ईमेल्स जो कि आपको रोज रिसीव होती हैं विदाउट योर कंसेंट और विदाउट योर इंटेंट, ये हम मार्केटिंग स्पैमिंग ईमेल्स कहते हैं। हाउएवर अंडर सेक्शन 25 सब क्लॉज 2, अ पर्सन इंक्लूडिंग एन इंस्टीट्यूशन और एन ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड इन डायरेक्ट मार्केटिंग शैल प्रोवाइड द ऑप्शन टू द रेसिपिएंट ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग टू अनसब्सक्राइब फ्रॉम सच मार्केटिंग। अब इस बार गवर्नमेंट ने इस कानून के थ्रू ये लाजिम व मलजूम कर दिया है कि जो तमाम कंपनीज है जो मार्केटिंग के लिए स्पैमिंग करती हैं, वो आपको एक अनसब्सक्राइब का बटन भी देंगी, ताकि अगर आप वो मैसेजेस रिसीव नहीं करना चाहते तो आप उसे अनसब्सक्राइब करके आप उसे अपनी जान छुड़ा सकते हैं। सो अक्सर ऐसी फ्रॉडुलेंट, मिसलीडिंग और इलीगल इंफॉर्मेशन जो स्पैमिंग के थ्रू फैलती है। आप इसीलिए अपना ईमेल जो है, आपका ईमेल अगर पब्लिक डोमेन में पड़ा है, आपने अपना वेबसाइट पे ईमेल दिया हुआ, तो कोई भी वो ईमेल जो है आपका एक्सेस कर सकता है, और आपका ईमेल आगे जो मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है उनको दिया जाता है, ताकि वो अपनी मार्केटिंग ईमेल्स के लिए आपको फिर फॉरवर्ड करते हैं मैसेजेस। ये सारा स्पैमिंग की कैटेगरी में आता है। आगे आता है स्पूफिंग। स्पूफिंग और फिशिंग स्कैम्स वो हैं कि जिसका थ्रू आपके जो पासवर्ड वगैरह हैं वो लोग जो हैं वो स्टील कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्पूफिंग में ये होता है, फेसबुक एक वेबसाइट है, अब फेसबुक वेबसाइट का कोई बंदा फेक एल्गोरिथम के थ्रू एक डमी वेबसाइट बनाता है जो, और ऐसा लिंक क्रिएट करता है कि जो ओपन करें तो फेसबुक ही लगेगा, लेकिन वो असल में फेसबुक होता नहीं है। उसका जो यूआरएल है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वो फेसबुक के यूआरएल से डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल उसका होगा www.jito1crorerupaye.com। अब उस पर क्लिक करेंगे लेकिन उस पर तो आपका फेसबुक ओपन हो जाएगा, आप कहेंगे तो फेसबुक है, वो आपका दोस्त कहेगा यार ये फेसबुक में लॉग इन करना, फिर वो आपको 1 करोड़ मिलेंगे या जो कुरानदाजी होगी। तो जैसे आप वो डाटा एंटर करोगे ना, आप तो ये समझ रहे हो कि वो फेसबुक की वेबसाइट है, जैसे आप डाटा एंटर करोगे वो डाटा सारा उस हैकर के पास चला जाएगा। तो इस तरह से स्पूफिंग होती है। अक्सर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज नहीं आया होता, ये मैसेज अगले 15 लोगों को फॉरवर्ड करें वरना आपका नुकसान हो जाएगा, 15 लोगों को फॉरवर्ड करें वरना, और ये वेबसाइट पे क्लिक करें तो आपको इतना इनाम मिलेगा, 20 लोगों से ये लिंक ओपन करवाएं तो आपको इनाम मिलेगा, ये स्पूफिंग की कैटेगरीज में फॉल करते हैं। फिर आगे हमारे पास आता है सेक्शन 27 और सेक्शन 28। सेक्शन 27 इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 27 डील्स विद द लीगल रिकग्निशन ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड इन रिलेशन टू इंफॉर्मेशन सिस्टम, नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ शैल नॉट बी डिनाइड लीगल रिकग्निशन एंड एनफोर्समेंट फॉर द सोल रीजन ऑफ सच ऑफेंस बीइंग कमिटेड इन रिलेशन टू और थ्रू द यूज ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके अंदर उन्होंने बताया कि इस कानून के अलावा जहां कहीं भी ऑफेंस डिफाइन है, उस ऑफेंस को हम लीगली रिकॉग्नाइज करेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट दैट पर्टिकुलर ऑफेंस वाज कमिटेड इन रिलेशन टू द ऑफेंस अंडर द इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी कि मिसाल के तौर पे आप एक ऐसा ऑफेंस करते हैं जो कि पीका के तहत ट्राई किया जा सकता है, लेकिन आप एक उस ऑफेंस की आड़ में 3 से 4 और ऑफेंसेस कर लेते हैं जो ट्राइबल बाय पीपीसी है नॉट पीका। तो इस सेक्शन को अगर हम समझें तो वो ये कहता है कि वो जो पीपीसी के थ्रू जो ऑफेंसेस हुए हैं वो इस बात से डिनाई या निगलेक्ट नहीं हो जाएंगे कि उसके अंदर पीका का ऑफेंस इन्वॉल्व था, या फिर जो प्रिंसिपल ट्रांजेक्शन है दैट वाज रिलेटिंग टू एन ऑफेंस विच इज डिफाइंड अंडर द
पीका एक्ट ऑफ 2016। अब उसका ट्रायल कैसे होगा, अब ये आगे मैं आपके साथ केस लॉ एक शेयर करने जा रहा हूँ। मैं आपको अभी उसकी साइटेशन मैं इधर चैट में आपके साथ शेयर कर देता हूँ, फिर मैं उस केस लॉ को आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। और आप जो हैं वो आप वेबसाइट पे जाएंगे हाई कोर्ट की, तो आपको ये केस लॉ मिल जाएगा। ये मैंने साइटेशन टाइप करके भेज दिया आपको। अच्छा जी, अब ये जो केस लॉ है ये हाई कोर्ट का केस है, साइटेशन है 2021 LHC 3627, बाद में जर्नल में है 2022 PCRLJ 203। अब इस केस के अंदर जो पीका एक्ट है उसका एनालिसिस किया गया था, और मैं पहले आपको बताया था इस केस के अंदर हुआ क्या था। एक बंदा था, उसको व्हाट्सएप के थ्रू एक मैसेज आता है बंदे का, वो कहता है कि मैं यूएसए के फलां फलां बैंक का जो है मैं मैनेजर हूँ, और जो एक बैंक हमारे अकाउंट होल्डर है हमारे पास, उसके पास $1,00,000 पड़े हुए हैं, लेकिन उसका कोई लीगल हेयर नहीं है और वो वफात पा चुका है, यानी कि अब उस बैंक अकाउंट का कोई वाली वारिस नहीं है, तो इसलिए मैं बैंक मैनेजर चाहता हूं कि वो $1,00,000 जो है वो मैं आपको ट्रांसफर कर दूं, लेकिन उसकी दो शर्तें थी, अगर आप कस्टम क्लियरेंस और कार्गो फीस पे कर दें। अब वो हमारे जैसा एक आम सादा सा आदमी था और उसे भी पैसे की लालच थी, उसने कहा कि मुझे $1,00,000 मिल रहे हैं तो मैं जो है वो कार्गो और ये जो फीस है वो मैं पे कर देता हूँ। अब उसने फिर आगे अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, वो व्हाट्सएप नंबर भी अमेरिकन का था, वो नंबर भी फैब्रिकेटेड था, बड़े आराम से फेक नंबर बन जाते हैं। अब उसने अपना व्हाट्सएप नंबर पे अपना लिंक दिया, उसने जो कंप्लेनेंट है उसको कहा कि आप 28 लाख रुपए जमा करवा दें, ये कस्टम ड्यूटी पड़ेगी, और ये कस्टम ड्यूटी पे करते ही फिर मैं आपको जो $1,00,000 है वो मैं आपके अकाउंट में फौरी फौरी ट्रांसफर कर दूंगा। जब उस बंदे ने 28 लाख रुपए उसके जो अकाउंट्स हैं उसमें भेजे, तो साथ ही उसने उसे ब्लॉक कर दिया, और उसे समझ आ गई कि मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। उस बंदे ने अपना नाम जो यूज किया था वो था मिशेल, और उसने फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू कॉन्टेक्ट किया था और अपने आप को जाहिर किया था कि मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ऑफ यूएसए की मैनेजर हूँ, और मैं जो है ये जो है आपको बैंक अकाउंट में पैसे भेजना चाहती हूँ। अब उसने जनाब बाद में जो है वो कंप्लेन लॉज करवाई, कंप्लेन लॉज करवाने के बाद इन्वेस्टिगेशन की गई, लोगों को पकड़ा गया, कोई की उसको फिर ट्राई किया गया। अब हम इसकी लीगल कंट्रोवर्सी या लीगल पॉइंट्स पे आते हैं। इसके अंदर जो पैरा 5 है, पैरा 5 के अंदर बताया गया है कि सेक्शन 419, 420, 468, 471 और 109 PPC के ये भी जो है ना इन्वॉल्व थे, और भी डिफरेंट सेक्शंस थे पीपीसी के जो इन्वॉल्व थे, लेकिन जो है उनको फिर कंफ्यूजन ये थी या कंट्रोवर्सी ये थी कि क्या ये हम ट्राई कर सकते हैं साथ पीका एक्ट की ऑफेंसेस के या नहीं। इसको जो है ऑनरेबल जज साहब ने पैरा नंबर 7 में एक्सप्लेन किया, कोट अनकोट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ पीका 2016 एज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्रीएम्बल इज टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्ट्स विथ रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन सिस्टम इन द लाइट ऑफ डेफिनेशन क्लॉजेज द रेसाइटेशन एंड द एग्जामिनेशन ऑफ रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ पीका विच आर सेक्शन 27, 28, 30, 36 सबसेक्शन 3 B and C, 44 एंड 50 मेक्स इट क्लियर दैट ऑफेंसेज अंडर पीपीसी और एनी अदर लॉज कैन नॉट बी ट्राइड जॉइंटली विद एनी कोऑर्डिनेट ऑफेंस अंडर पीका 2016 इवन इफ इट इज कमिटेड विद इन द सेम ट्रांजेक्शन। देर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर ज्वाइंट ट्रायल इन पीका। अब इसके अंदर क्या बात की गई, क्या नया लॉ बनाया गया, वो ये कि जो ऑफेंसेस पीपीसी के अंदर हैं वो ज्वाइंटली ट्राइबल नहीं है इन कनेक्शन विद द पीका एक्ट, इवन दो दे आर कमिटेड एंड दे आर पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। यानी कि जो पीपीसी के तहत ऑफेंसेज हुए हैं उसका सेपरेट ट्रायल चलेगा, और जो पीका एक्ट के तहत ऑफेंसेज हुए हैं उसका सेपरेट ट्रायल चलेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रेडिकेट ऑफेंसेज और प्रेडिकेट क्राइम को भी डिफाइन किया गया अंडर पैरा 8, विच स्टेट्स दैट द नेचर ऑफ द ऑफेंसेज अंडर दिस एक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑफेंसेज अंडर अदर लॉज। मोस्ट ऑफ द ऑफेंसेज अंडर दिस एक्ट हैव स्टेटस ऑफ प्रेडिकेट ऑफेंसेज विच आर कमिटेड टू फैसिलिटेट कमीशन ऑफ मेन ऑफेंस। अब ये जो प्रेडिकेट ऑफेंस है ये क्या है, ये ऐसा ऑफेंस है जो कि बड़े ऑफेंस को फैसिलिटेट करने के लिए यूज होता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि आप फेक आइडेंटिटी
या आप जो है फ्रॉड करें और आपकी इंटेंशन हो टेररिज्म की। सो यहाँ पे प्रिंसिपल या जो मेजर ऑफेंस है वो क्या होगा, टेररिज्म होगा, लेकिन जो उसका प्रेडिकेट क्राइम या प्रेडिकेट ऑफेंस वो क्या होगा, वो होगा इंटेंशन टू फ्रॉड एंड यूजिंग फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। सो इस चीज को डिफाइन किया गया। अब पीका एक्ट के अंदर मोस्टली जो ऑफेंसेस हैं वो नॉन कॉग्निजेबल हैं। सिर्फ तीन सेक्शंस हैं पीका के अंदर जो के कॉग्निजेबल हैं, वो हैं सेक्शन 10, सेक्शन 20 और सेक्शन 21, जैसा कि मैं यहाँ आपके साथ शेयर भी करती हूँ। सो ये तीन सेक्शंस हैं जो कि कॉग्निजेबल हैं, बाकी सारे नॉन कॉग्निजेबल सेक्शन हैं। और उन यही इस केस के अंदर डिस्कस हुआ था कि पीका के अंदर जो ऑफेंसेस हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक मेजर ऑफेंस का पार्ट होते हैं। और इस केस के अंदर ये भी डिफाइन किया गया था अंडर सेक्शन 44 ऑफ पीका एक्ट के CRPC और QSO के जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के लिए और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एग्जिबिट करने के लिए, उसको अप्रिशिएट करने के लिए, वो सारे प्रिंसिपल्स जो है म्यूटेटिस म्यूटेंडेंस अप्लाई करेंगे सब्जेक्ट टू इनकंसिस्टेंसी विद पीका, यानी कि पीका के साथ वो लॉज इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए। और इसके अंदर देखा गया कि जो बाकी जनरल लॉज मौजूद हैं अगर वो पीका के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं है तो उन लॉज को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, चाहे वो आपको QSO हो, चाहे आपका CRPC हो, चाहे वो आपका PPC हो, एज लॉन्ग एज दे आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग विद एनी पर्टिकुलर सेक्शन और एनी पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ द पीका एक्ट। अब पीका एक्ट से हट के मैं अब आपको थोड़ा जनरल एक लैंडस्केप भी देता चलूं। साथ साथ हमने जैसे आज सेक्शन 1 से लेकर 28 तक कवर किए हैं पीका एक्ट के, और उसके साथ साथ हमने जो है वो देखा है कि किस तरह प्रैक्टिकली इन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। अब ग्लोबल कम्युनिटी में GDPR जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि कंज्यूमर सिक्योरिटी और प्राइवेसी को इंश्योर करता है। अभी जो GDPR है ये हमारे मुल्क में फिलहाल लैकिंग है, और इस तरह के लॉज बनेंगे तो GDPR रेगुलेशंस जो है हम उसे कंप्लाई विद कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन ने डिफरेंट ट्रीटीज के तहत अब मोस्ट ऑफ द यूरोपियन स्टेट्स जो हैं उन्होंने GDPR ट्रीटीज साइन की हुई हैं कि जिसके तहत एक कस्टमर या एक आम यूजर, एक आम शहरी का जो डाटा है वो उसकी कंसेंट के बगैर कोई भी मार्केटिंग एजेंसी वगैरह, कोई इवन आपका जुडिशियल सिस्टम भी एक्सेस नहीं कर सकता, उसके लिए आपको परमिशन चाहिए होती है। पीका के क्रिटिसिज्म के अंदर भी यही कुछ चीजें आती हैं, यही कुछ कंट्रोवर्सी बनी हुई है, क्योंकि अब मैंने अभी आपको सेक्शन 28 तक बताए हैं, अगले जो सेक्शंस हैं वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस से डील करते हैं, और वो एक अलग सेपरेट टॉपिक है, उसके लिए सफिशेंट टाइम नहीं है। अब कंट्रोवर्सी ये है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है ना अंडर पीका, उसको इतनी पावर्स दे दी गई हैं कि वो किसी भी सस्पिशियस बंदे का, जिसे वो लगता है कि वो इस ऑफेंस से कनेक्टेड है, उस बंदे का वो डाटा जो है विदाउट कंसेंट एक्सेस कर सकता है, आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP को भी रेगुलेट कर सकता है, और उसका भी जो डाटा है वो भी वो एक्सेस कर सकता है। सो आपने एक टर्म सुनी होगी मैस सर्वेलेंस, तो वो एक सॉर्ट ऑफ मैस सर्वेलेंस जो है आपके ये जो ऑफिसर्स हैं FIA में और जो साइबर क्राइम विंग के हैं वो आपका डाटा को रेगुलेट कर सकते हैं और आपके एक्सेस में है। सो ये एक मिथ है डाटा प्राइवेसी की कि आपका जो डाटा प्राइवेट है वो एजेंसीज और जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनके पास उसका कंट्रोल है, इन कंट्रास्ट विद द वेस्टर्न वर्ल्ड और विद द वर्ल्ड जो है ना ग्लोबली, बाकी जो स्टेट्स हैं वो इस तरह से नहीं चलती। तो इसका यही क्रिटिसिज्म आ रहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हेट स्पीच की हमने बात की, हेट स्पीच आपके जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो फंडामेंटल राइट है उसको वायलेट करता है, उससे कॉन्ट्राडिक्ट करता है, इसी तरह आपका जो है राइट ऑफ प्राइवेसी जो है वो भी अंडर आर्टिकल 14 जो है सब क्लॉज 2 के अंदर दिया गया कि आपकी जो प्राइवेसी जो है उसको भी इंश्योर किया जाए, वो भी वायलेट हो रहा है, क्योंकि एजेंसीज को अनफेटर्ड पावर्स दे दी गई हैं कि इन्वेस्टिगेशन की आड़ में, फॉर द पर्पजेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो किसी भी जो बंदा है उसकी इंफॉर्मेशन को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, और वो 24-48 घंटे तक तो विदाउट एनी परमिशन अपने जो है उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। और राइट टू प्राइवेसी जो है वो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR 1966 में भी डिफाइंड है, जिसको पाकिस्तान ने रेटिफाई किया हुआ है।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और अभी आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो मैं एंटरटेन कर लेता हूँ. सो आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर जी वालेकुम अस्सलाम. जी। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो सब सारे सेक्शंस हैं ना, इसमें बहुत सारी डिसऑनेस्ट इंटेंशन की हो रही है, तो इसको तो कोर्ट में प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता होगा, तो फिर इसको कैसे आगे लेके चलती हैं? नहीं, डिसऑनेस्ट इंटेंशन बिल्कुल कोर्ट में प्रूव करना मुश्किल नहीं है, बल्कि आपको अपनी गुड इंटेंशन या गुड फेथ शो करनी होगी ना, क्योंकि आप अनऑथराइज एक्सेस कर रहे हैं. जब आप किसी की परमिशन के बगैर आप उसका प्राइवेट डाटा, प्राइवेट इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं, तो जो डिसऑनेस्टी है वो इम्प्लाई कर ली जाती है आपने. बल्कि ऑन द अदर हैंड, द ओनस इज ऑन यू टू प्रूव कि आप जो है गुड फेथ में आपने किया, आपके पास ड्यू अथॉरिटी थी, ड्यू ऑथराइजेशन थी. आपने अदालत को ये दिखाना है, क्योंकि उनके लिए तो बड़ा आसान है. उन्होंने कहना है कि मेरी कंसेंट के बगैर इन्होंने अनऑथराइज मेरे डाटा को एक्सेस किया, मैंने इन्हें कोई परमिशन नहीं दी. फिर वो आप पे है कि आपने किस तरह प्रूव करना है कि जनाब ये इन्होंने मुझे रिटर्न परमिशन दी थी, या ये उन्होंने मुझे यहाँ पे इधर कंसेंट दिया था, और ये मैं कोई, या फिर मैं कोई पब्लिक ऑफिसर हूँ, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, और मैंने ड्यूटी के तहत या अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो है इसको किया. ओके, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज्ड पे होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे होता है कि जिसका केस फेल कर जाएगा अगर वो स्टैब्लिश ना कर सके. ओनस ऑफ प्रूफ होता है जो शिफ्ट होता रहता है. और सर ये ऑफेंसेस बिलेबल हैं या नहीं? सर, ये सारे ऑफेंसेस बेलेबल हैं, और ये भी इस एक्ट का बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है. माँ सिवाय तीन सेक्शन के जो मैंने ऊपर बताए हैं, सेक्शन 10, सेक्शन 20 और सेक्शन 21, इसके अलावा जो बाकी सारे ऑफेंसेस हैं वो सारे बेलेबल हैं. इस वजह से ये जो इनैक्टमेंट है इसकी कोई प्रैक्टिकली इतनी वो एक डेट्रीमेंट नहीं, वो एक डेटरेंस जो है ना वो क्रिएट नहीं कर पाया लोगों को इससे. खौफ वगैरह इसलिए नहीं क्योंकि इसमें बेल मिल जाती है. आप करोड़ों रुपए का फ्रॉड वगैरह इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं, लेकिन आपको बेल मिल जाएगी. ओके, थैंक यू सर। जी वेलकम. अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली मेरे से शेयर करते हैं, वरना फिर हम ये सेशन कंक्लूड करते हैं. आपने जो बात की थी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो किसी भी फॉर्म का डाटा लीक होता है तो वो वायलेशन नहीं होगी क्योंकि उसमें सारे ऑप्शन लिखते हैं. लेकिन जब ये पैकेट मेकिंग या जो इंस्ट्रक्शन होती है, इस दौरान अगर फॉर्म का क्लाइंट का डाटा लीक होगा तो क्या फॉर्म पर कोई बात आएगी, और सर कितनी देर तक फॉर्म को डेटा स्टोर रखना चाहिए, कब एक्सपायर कर देना चाहिए? अब ये जैसे आपने फर्म्स और ये जो क्लाइंट के डाटा लीक वाली बात की है ना, ये यहाँ इतनी प्रैक्टिस नहीं होती जितनी बाहर होती है. अब मैं प्रैक्टिकली आपको इसकी बाहर मिसाल दे सकता हूँ. एक मल्टीनेशनल कंपनी का वो केस हुआ था, उनकी वेबसाइट हैक हो गई थी और उनके जो क्लाइंट्स का डाटा लीक हो गया था उसके लिए वो जो फर्म या वो कंपनी वो रिस्पॉन्सिबल थी. मैंने अभी आप इस थोड़ी देर पहले एक टर्म यूज की ना, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, उसके अंदर ये साफ साफ लिखा गया है कि जो आपके क्लाइंट्स हैं ना और आपके कस्टमर्स हैं, उनकी डाटा प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी आपकी है, उस सर्वर की है, उस होस्ट की है, उस कंपनी की है कि जो कि वो डाटा स्टोर कर रहा है, जो डाटा मेंटेन कर रहा है. अब आपने जहां तक बात की कि डाटा कब तक मेंटेन करना चाहिए, तब तक मेंटेन करना चाहिए जब तक वो डाटा आपकी जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने क्लाइंट ने आपसे एक सर्विस ली हुई है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप जैज की मिसाल ले लें. जैज के कस्टमर ने कोई पैकेज 4-5 लगाए हुए हैं, ठीक है. अब वो कस्टमर जब तक जैज का है, जैज की सिम यूज कर रहा है, तब तक वो उसकी इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, या अगर किसी ने अपने बैंक में अपना बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ है, जब तक तो उसने बैंक अकाउंट खोला हुआ है, एक्टिवली काम कर रहा है, तब तक तो इंफॉर्मेशन रखना और वो डेटाबेस मेंटेन करना उनकी जिम्मेदारी है. और अगर उस बैंक पे उस टाइम पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हो जाता है तो उस बैंक की जिम्मेदारी बनती है. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज इंस्टीट्यूशंस टू एंश्योर कि उनकी जो कस्टमर की जो इंफॉर्मेशन है और क्रेडेंशियल्स हैं वो सिक्योर हैं. अब बाहर का केस क्यों मैं कोट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के अभी फिलहाल लॉज नहीं है. बाहर इस तरह हुआ था कि कस्टमर का बैंकिंग डाटा लीक हो गया था उस बैंकिंग फर्म से, उनकी वेबसाइट हैक होने से, तो वो मिलियंस, वो उसका जो भी पैसा
पैसे उसके अकाउंट से निकले थे ना वो सारे उसको रिफंड हुए थे, और कोर्ट ने यही हेल्ड किया था कि इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द बैंक टू एंश्योर कि जो डाटा है वो अंडर प्रोटेक्शन रहे और इतने सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो अडॉप्ट करें। जी और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दे, वरना फिर हम इस सेशन को कंक्लूड कर लेते हैं। आई गेस अभी और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड हैविंग मी टुडे। आई होप कि आज का सेशन जो है फ्रूटफुल रहा होगा, आपने कुछ प्रोडक्टिव ही सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच।